तो आई गेस आज की वीडियो बात करें FI मनी में अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है कैसे अपडेट करेंगे एंड कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना करें, एंड वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका FI मनी में जो अगर अपना मोबाइल नंबर अपडेट या चेंज करना है उसके लिए सबसे पहले आपको अपना FI मनी का जो इंटरनेट बैंकिंग है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देख के लॉग इन कीजिए। तो चलिए हम फटाफट लॉग इन कर लेते हैं। तो सिंपल से जैसे आप अपना FI मनी का इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखा जाएगा एंड आपके अकाउंट में कितने बैलेंस अवेलेबल यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड इसके बाद बात करते हैं, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर अगर अपडेट करना है तो सिंपल से आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कस्टमर सर्विस का, सिंपल से आपको कस्टमर सर्विस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद मिल जाता है आपको न्यू सर्विस रिक्वेस्ट और स्टेटस ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट। तो सिंपल से आपको न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ही नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। तो सिंपल से आपको इस पे क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी दोनों में ओर से अवेलेबल है। तो सिंपल से आपको चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि आपको जो न्यू मोबाइल नंबर है कंट्री कोड, सिंपल से पहले मैं आपको कंट्री कोड डालना रहेगा, यानी अगर आप इंडिया से हैं आपको सब लोग इंडिया से होंगे तो 91 डाल देंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन में आपको न्यू मोबाइल नंबर यानी आप जो मोबाइल नंबर देना चाहते हैं मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे आपको अपना प्राइमरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो आप ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं। सिंपल से जैसे आपको डिटेल्स करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे डिटेल्स डालने के बाद तो यहाँ से आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड पूछा जाएगा। तो सिंपल से आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना है। तो गाइस आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।